लातेहार पुलिस ने नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी कर 240 बोतल अवैध शराब, 1500 खाली बोतल, रैपर समेत कई सामान बरामद किए। पुलिस ने इस संबंध में शराब तस्कर मनीष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई थी। ने लातेहार जिले के लातेहार टाउन थाना क्षेत्र में ब्रह्मपुर के पास में रहने वाले एक निवासी, उनके आवास में एक अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी जिसमें बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाया जा रहा था और उसको बेचा जा रहा था। तो हमारी टीम ने डीएसपी साहब के नेतृत्व में एक रेड किया जिसमें कि उनको पकड़ा और उनके घर से ये तमाम जो आप देख रहे हैं करीब 240 बोतल है, इसके अलावा 1500 खाली बोतल है, 40 लीटर के आसपास स्पिरिट है जो 200 लीटर वाले ड्रम में है, इसके अलावा 15 के आसपास जो जर्किन है 35 लीटर का जो खाली है, कॉक है उसको सील करने का जो सील है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।